लोग क्या हाल है, सुस्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 194Q के बारे में। ये सेक्शन जस्ट इसी साल फाइनेंशियल ईयर में आया है और 1 जुलाई 2021 को ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ये सेक्शन बोलता क्या है, क्या इस सेक्शन में लायबिलिटी आ जाती है SSC के ऊपर, और ये जो सेक्शन है ये बात करता है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स की। तो आप बोलोगे यार इससे मिलता जुलता सेक्शन तो इससे पहले था 206C1H के नाम से, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो उसका क्या होगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर दूंगा एग्जांपल के साथ, पूरा डिटेल्ड में आपको बता दूंगा वो भी सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं सेक्शन 194Q के बारे में, जो कि डील करता है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, कब, जब उसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, तो ये सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। अब किसको इसके अंतर्गत TDS काटने की जरूरत है, तो बायर कौन, जो सामान खरीदता है, मतलब गुड्स खरीदता है हमारे केस में। अगर ऐसा बायर जो कि किसी सेलर से गुड्स खरीदता है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो ये देखा जाएगा उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जब उस पर सेक्शन एप्लीकेबल तो हो गया, तो उसको TDS काटने की कब रिक्वायरमेंट आएगी, कि when TDS विल बी डिडक्टेड। तो बायर अगर पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा का सामान परचेज कर लेता है जिसके एवज में वो सेलर को कंसीडरेशन देता है, तो उस कंसीडरेशन में 50 लाख से ऊपर की कंसीडरेशन में उसको TDS काटना पड़ जाएगा। और ये जो TDS की लिमिट है, 50 लाख की लिमिट है, ये आप देखोगे पूरे 1 अप्रैल 2021 से लेके अब तक की, जैसा कि TCS में हमने देखा था वैसे ही TDS में हम जो 50 लाख की लिमिट है उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कब TDS काटना है, जब 50 लाख से ज़्यादा आप किसी सेलर को पेमेंट कर देते हो तब उस पर TDS की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन, किस टाइम काटना है। तो जैसे कि हमारा जो TDS का कोर रूल है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो वही सेम यहाँ पर आ जाएगा, पर इस केस में पेमेंट का मतलब है पेमेंट, एडवांस पेमेंट, और क्रेडिट का मतलब है एक्चुअल सेल। तो इन शॉर्ट एक्चुअल सेल और एडवांस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कुछ भी इंस्टेंस, कुछ भी सिचुएशन पहले हो जाए, चाहे सेल हो जाए चाहे पहले हो जाए एडवांस पेमेंट, तो उस केस में TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं रेट कितना है। तो जैसा कि इस TCS में भी था 0.01%, तो यहाँ पर है 0.1% TDS आपको काटना पड़ेगा। अगर किसी का पैन अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में आपको 5% काटना है। और ये जो TDS की जो लिमिट है 50 लाख से ऊपर की है, मतलब अगर लगा लो आपको, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी सेलर को 51 लाख पे करते हो, तो आपको 1 लाख पे 0.1% TDS का रेट काटना है। क्योंकि अभी हमारा कोविड वाला जो बेनिफिट मिलता था 25% हम लेस TDS काटते थे, वो 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसका फ्लैट रेट यही है 0.1%, इसमें आप 25% का डिडक्शन मत डाल देना। अब इसकी कुछ, इस सेक्शन की कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी है तो वो भी देख लेते हैं हम। पहली नॉन एप्लीकेबिलिटी ये है कि जब हम गुड्स की जगह परचेज सर्विस कर लेते हैं, मतलब अगर आप गुड्स नहीं खरीद रहे सर्विस खरीद रहे हो, तो आप पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी नॉन एप्लीकेबिलिटी ये है कि अगर आप पहले ही उसका TDS काट रहे हो 194J या 194C में, तब भी आप पे ये एप्लीकेबल सेक्शन नहीं है। और तीसरा, यहाँ पर बात करते हैं TCS की, यहाँ पर बात करते हैं हम अपने TCS की। अगर आपका सेलर ऑलरेडी आपका TCS काट रहा है तो इस केस में आपको उसका TDS काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोरिलेशन के बारे में, कि 194Q और 206C1H के बारे में के बीच में कोरिलेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है इफ एनी ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर बोथ ऑफ द सेक्शन, मतलब कोई लेट सपोज कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई, आपने किसी से सामान खरीदा, उसने आपको सामान बेचा, और दोनों की ट्रांजेक्शन 50 लाख से ऊपर की हो गई, जिसका कंसिडरेशन भी जाहिर सी बात है 50 लाख से ऊपर का बनेगा, तो इस केस में सेक्शन 206C1H का TCS और 194Q का TDS दोनों ही इनकर्ड हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में अगर आपका सेलर 206C1H के केस में TDS काट रहा है, अगर सॉरी
अगर आपका सेलेक्ट 2061H में ऑलरेडी आपका TCS काट रहा है तो आपको उसका TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात, बस इतना समझ लो, ये पूरा यहाँ पे क्रक्स लिखा हुआ है मैंने कि कोरिलेशन क्या है दोनों का, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पर। और अगर आपको इसका आर्टिकल चाहिए, इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है, बायर है बी, उसकी टर्नओवर फाइनेंशियल है 2021 में 9 करोड़। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी टर्नओवर ही 9 करोड़ है तो उसको ये जो 1N4Q का TDS है उस पर एप्लीकेबल हुआ ही नहीं है। अगला ये जो सेकंड केस है, इसमें बायर भी है, उसकी टर्नओवर 11 करोड़ हो जाती है, तो पहली कंडीशन हमारा पहला गेट पार हो गया कि भाई टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, तो इसका मतलब उस पर TDS की एप्लीकेबिलिटी है। अब बात करते हैं जो उसका सेलर है, सेलर ने उसको 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में 60 लाख रुपये का सामान बेचा। जाहिर सी बात है, जिसकी पेमेंट 60 लाख से ऊपर की होगी, 60 लाख ही होगी मान के चलते हैं इस एग्जांपल में, तो उस पर TDS कितना कटेगा? तो 60 लाख का जो पेमेंट हो गई उस पर 50 लाख की थ्रेशोल्ड हटा देते हैं, तो 10 लाख पे 0.01% के हिसाब से 1000 रुपये का बायर को पेमेंट करते टाइम 1000 रुपये काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करने पड़ेंगे। अगर वो सामने वाला सेलर अपना पैन नहीं देता तो इस केस में जो ये रेट है 5% हो जाएगा बढ़कर, 0.1% से सीधा 5% देख सकते हो ना, यहाँ पे 1000 से सीधा अंतर आ गया 50,000 का, मतलब 49,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स आपका जमा हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल पे कड़ा डंडा पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या होगा अगर बायर फेल कर देता है TDS काटने में। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वही अपना TDS का जो रूल है PGBP वाला, 30% ऑफ सच एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड, मतलब आप जब अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे PGBP में तो 30% आपका वो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाएगा। इफ़ बायर फेल्स टू डक्ट TDS ऑन 10 लाख, तो जो 10 लाख का 30% है, जैसे कि एग्जाम्पल में 3 लाख रुपये उसका डिसअलाउ कर देंगे और उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो बस यही था सेक्शन 194Q। अगर आपको इस सेक्शन में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, नीचे कमेंट में भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता।